बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुड़गांव में दो दिन तक मंथन करने के बाद अब प्रत्याशियों को लेकर लगभग पिक्चर क्लियर कर ली है। बीजेपी सबसे पहले हरियाणा में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम करेगी। बीजेपी आरएसएस और इंडिपेंडेंट एजेंसियों के सर्वे के आधार पर बीजेपी की चुनाव समिति ने अपने प्रत्याशियों को लेकर लगभग तस्वीर साफ कर ली है। इनमें से 33 नामों की हरी झंडी फाइनल हो गई है, यानी 33 सीटों के ऊपर प्रत्याशियों की क्लियरेंस हो गई है। पहली सूची 26 या 27 अगस्त को जारी हो सकती है। हमारे पास जो सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार जो 33 प्रत्याशी हरी झंडी पाने के हकदार हो गए हैं, यानी जिनके नाम का ऐलान पहली सूची में हो गया है, उनके नाम हैं कालका से लतिका शर्मा, अम्बाला कैंट से अनिल विज, जगाधरी से कौरपाल गुज्जर, यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा, लाडवा या करनाल से नायब सैनी, घरोंडा से हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहर से प्रमोद विज, सोनीपत से निखिल मैदान, खरखोदा से पवन खरखोदा, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, जींद से कृष्ण मिड्डा, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, रतिया से सुनीता दुग्गल, फतेहबाद से दुड़ा राम, रानिया से रणजीत सिंह, एलनाबाद से मीनू बेनीवाल, डबवाली से आदित्य देवीलाल, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, हांसी से विनोद भ्याणा, नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु, बौनीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, तोशाम से श्रुति चौधरी, लोहारू से जेपी दलाल, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, अटेली या कोसली से आरती राव, किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, बादशाहपुर से राव नरवीर, नूह से जाकिर हुसैन, पलवल से दीपक मंगला, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा और होडल से जगदीश नैयर। बीजेपी की यह सूची देखने के बाद साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है और इसलिए इन 33 सीटों के ऊपर बीजेपी ने उन सभी चेहरों को उतारने का काम किया है जो इस समय पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से सबसे मजबूत नज़र आते हैं, जो पार्टी के सर्वे के अनुसार सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं और जो कांग्रेस को हराने का मादा रखते हैं। यानी बीजेपी पूरी सीरियस होकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है और इसलिए इस सूची के अंदर उसने सबसे मजबूत चेहरों को शामिल किया है। हम एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी ने पहली सूची के लिए जिन 33 नामों को क्लियरेंस दे दी है उनके नाम हैं कालका से रतिका शर्मा, अम्बाला कैंट से अनिल विज, जगाधरी से कृपाल गुज्जर, यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा, लाडवा या करनाल से नायब सैनी, घरोंडा से हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहर से प्रमोद विज, सोनीपत से निखिल मैदान, खरखोदा से पवन खरखोदा, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, जींद से कृष्ण मिड्ढा, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, रतिया से सुनीता दुग्गल, फतेहबाद से दुड़ा राम, रानिया से रणजीत सिंह, एलनाबाद से मीनू बेनीवाल, डबवाली से आदित्य देवीलाल, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, हांसी से विनोद भ्याणा, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु, बौनीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, तोशाम से श्रुति चौधरी, लोहारू से जेपी दलाल, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, अटेली या कोसली से आरती राव, किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, बादशाहपुर से राव नवीर, नूह से जाकिर हुसैन, पलवल से दीपक मंगला, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा और होडल से जगदीश नैयर। बीजेपी कांग्रेस से पहले सूची जारी करके प्रेशर की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि पहली सूची से जो मैसेज हरियाणा की जनता में जाएगा वो सरकार बनाने में सबसे अहम साबित हो सकता है। कांग्रेस की सूची से पहले सबसे मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतारकर बीजेपी पहल लेने का काम करेगी, बढ़त बनाने का काम करेगी, अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेगी। बीजेपी पूरी योजना के साथ, पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और इसलिए वो 50% विधायकों के टिकट काटने भी जा रही है। इस पहली सूची के अंदर 18 विधायकों के नाम शामिल हैं, यानी बाकी के 22 एमएलए के ऊपर कहीं न कहीं तलवार लटक गई है। बीजेपी सबसे मजबूत प्रत्याशियों को लेकर ही और बिना विवाद वाली सीटों के प्रत्याशियों को पहली सूची में डिक्लेयर करने का काम करेगी। अब देखने की बात यह है कि 26 या 27 अगस्त की इस सूची के जारी करने के बाद बीजेपी क्या अपने पक्ष में बड़ा माहौल बनाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। बीजेपी की इन 33 प्रत्याशियों की सियासी
किस्मत के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। इन 33 सीटों के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले घमासान के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। इन 33 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।